हेलो एवरीवन माई सेल्फ प्रणव जैन और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एबडोमिन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में दैट इज पोर्टो सिस्टमिक कॉम्युनिकेशन जिसको हम पोर्टो केवल एनास्टमोसिस भी बोलते हैं अब इस टॉपिक को समझते हैं टॉपिक है क्या देखिए नाम खुद बता रहा है पोर्टो मतलब पोर्टल वेन एंड सिस्टमिक मतलब सिस्टमिक वेन एंड कॉम्युनिकेशन दिस इज कॉम्युनिकेशन बिटवीन पोर्टल एंड सिस्टमिक वेन्स तो इस टॉपिक में हम पोर्टल वेन्स और सिस्टमिक वेन्स के बीच में कॉम्युनिकेशन देखेंगे अब इसको हम पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस भी बोलते हैं मतलब पोर्टल वेन एंड केवल वेन्स जो हमारी मेजर वेन्स होती हैं, दैट इज इंफीरियर वेना कहवा एंड सुपीरियर वेना कहवा सो पोर्टल वेन्स एंड केवल वेन के बीच में एनास्टोमोसिस तो क्वेश्चन आपसे किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है तो हमें पढ़ना क्या है देखिए हमें देखनी है साइट्स कि कौन सी कौन सी साइट्स होती हैं जिन पे पोर्टल वेन और सिस्टमिक वेन्स आपस में एनास्टोमोस करती हैं तो टोटल हमें सेवन साइट्स पढ़नी है फर्स्ट थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाने वाला हूँ तो शिफ्ट करते हैं अपने डायग्राम की तरफ देखिए ये है वो डायग्राम अभी आपको ये पूरा कंप्लीट अच्छे से समझ आ जाएगा देखिए ये है हमारी सुपीरियर वेना कहवा सुपीरियर वेना कैवा डिवाइड होती है राइट ब्रेक सिफेलिक वेन में एंड लेफ्ट सिफेलिक वेन में एजाइगस वेन ड्रेन करती है हमारी सुपीरियर वेना वेनाकेवा में एजाइगस वेन पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे थोरेक्स एनाटमी का अब एजाइगस वेन में दो वेन ड्रेन करती हैं एक तो एसेसरी हैमी एजाइगस वेन एंड हैमी एजाइगस वेन ये है हमारी इंफीरियर वेनाकेवा इंफीरियर केवा आगे जाके डिवाइड हो जाती है हमारी कॉमन इलियाक में राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियाक वेन अब कॉमन इलियाक वेन फर्दर डिवाइड होती है हमारी एक्सटर्नल इलियाक वेन में दैट इज ई आई वी एंड इंटरनल इलियाक वेन आई आई वी तो ये जो मैंने आपको एबडिवियेशन लिखे हैं आप इनको देख लीजिएगा यहाँ पे अब हम देखते हैं हमारी पोर्टल वेन पोर्टल वेन कैसे बनती है स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन मिलकर क्या बनाती है हमारी पोर्टल वेन पोर्टल वेन अलग से, से भी आता है। इस भी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अब पोर्टल वेन आगे जाके डिवाइड रहती है राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस में तो हमें क्या पढ़नी है तीन ऐसी साइट पढ़नी है जहां पे पोर्टल वेन और सिस्टमिक वेन्स के बीच में कॉम्युनिकेशन हो रखा होगा तो तीन साइट कौन सी है पहली है लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, सेकेंड है लोअर एंड ऑफ रेक्टम और थर्ड है अम्ब्लाइकस तो इसमें हमें ये सब पढ़ना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले साइड की दैट इज लोअर एंड ऑफ इसोफेगस में तो लोअर एंड ऑफ इसोफेगस पे लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन किसके साथ अनास्टमोस करती है इसोफेजियल वेन्स के साथ अब इसको डायग्राम से देखते हैं देखिये ये है लोअर एंड ऑफ इसोफेगस और यहाँ पे जो ईसोफेजियल वेन्स हैं क्या है ये सिस्टमिक वेन किसके साथ एनास्टमोस करिए हमारी ये जो ऑरेंज कलर से डिनोट करी है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन्स के साथ तो ये जो ग्रीन कलर से हैं, दीज आर सिस्टमिक वेन दैट इज ईसोफेजियल वेन किसके साथ एनास्टोमोस करिए लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के साथ तो ये हो गया हमारा पहला एनास्टमोसिस दैट इज एट लोअर एंड ऑफ इसोफेगस सेकेंड है एट लोअर एंड ऑफ रेक्टम जो सुपीरियर रेक्टल वेन्स होती हैं, वो किसके साथ एनास्टमोस करती है मिडिल एंड इनफीरियर रेक्टल वेन के साथ देखिए ये है हमारा लोअर एंड ऑफ रेक्टम ये जो ऑरेंज कलर से डिनोट किया है दिस इज पोर्टल वेन मतलब पोर्टल वेन की ये फाइनली कहाँ ड्रेन कर जाती है हमारी पोर्टल वेन में तो ये जो ऑरेंज से है दिस इज सुपीरियर रेक्टल वेन सुपीरियर रेक्टल वेन विद द हेल्प ऑफ इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन फाइनली कहाँ ड्रेन कर देती है ब्लड को स्प्लेनिक वेन में और स्प्लेनिक वेन कहाँ ड्रेन करती है ब्लड को पोर्टल वेन में तो सुपीरियर रेक्टल वेन से ब्लड कहाँ जाता है हमारा पोर्टल वेन में जाता है अब अगर हम बात करते हैं अनास्टमोस की ये तो हो गया पोर्टल वेन सिस्टमिक वेन्स कौन सी हैं मिडल रेक्टल वेन एंड इन्फीरियर रेक्टल वेन ये जो मिडल रेक्टल वेन होती है ये डायरेक्टली डायरेक्टली ब्लड ब्लड को कहा ड्रेन कर देती है इंटरनल इलियक वेन में और इंफीरियर रेक्टल वेन पहले ब्लड को किसमें ड्रेन करती है इंटरनल पुडेंडल वेन में और देन ब्लड को कहाँ ड्रेन करती है इंटरनल इलियक वेन में तो ये हो गया हमारा सेकेंड कॉम्युनिकेशन दैट इज एट लोअर एंड ऑफ रेक्टम तो सुपीरियर रेक्टल वेन जो कि एक पोर्टल वेन की पार्ट है वो किसके साथ एनास्टोमोस करती है मिडल रेक्टल वेन एंड इन्फीरियर रेक्टल वेन जो हमारी सिस्टमिक वेन्स हैं थर्ड है एट एम्ब्लाइकस तो पैरा अम्बलिकल वेन किसके साथ एनास्टमोस करती है हमारी वेन्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल तो बहुत सारी होती हैं वेन्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो देखिए पोर्टल वेन की जो लेफ्ट ब्रांच होती है उस उनसे निकलती है हमारी पैरा अम्बलिकल वेन्स तो पैरा अम्बलिकल वेंस किन के साथ अनास्टमोस करती है वेंस ऑफ एंटीरियर एबडामिनल वॉल अब वेंस ऑफ एंटीरियर एबडामिनल वॉल बहुत सारी हैं जो अम्ब्लाइकस के ऊपर हैं वो होती हैं सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन एंड लेटरल थोरेसिक वेन जो अम्बलाइकस के नीचे होती हैं सिस्टमिक वेन्स उनका नाम होता है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक देखिए अम्ब्लाइकस के अपर सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक है और अम्ब्लाइकस के नीचे इन्फीरियर एंड सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक है और अम्ब्लाइकस के जो साइड्स में होती है लेटरली तो वो होती है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल एंड लंबर वेन्स तो पोर्टल वेन एट अम्ब्लाइकस पैरा अम्बलिकल वेन्स किसके साथ एनास्टोमोस करती है हमारी वेन्स ऑफ एंटीरियर एपडोमिनल वॉल और इनके नाम क्या क्या हैं सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक लेट्रल थोरेसिक सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक इनफीरियर एपिगैस्ट्रिक पोस्टीरियर इंटरकोस्टल एंड लंबर वेन्स नेक्स्ट साइट जहां पे हमें पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस देखने के लिए मिलता है वो है पोस्टीरियर एबडोमिनल वॉल। तो पोस्टीरियर एबडोमिनल वॉल पे स्प्लिनिक वेन जो कि एक पोर्टल सिस्टम की वेन है वो लेफ्ट रिनल वेन के साथ एनास्टोमोस करती है तो फोर्थ पॉइंट हो गया फोर्थ साइट हो गई है नेक्स्ट इज बेयर एरिया ऑफ लीवर का जो बेयर एरिया होता है वहां पर जो पोर्टल रेडिकल होते है, हैं और फेलसी फॉर्म लिगामेंट पे जो पैरा अम्बलिकल वेन्स होती है वो अगेन डायफ्रामेटिक वेन्स के साथ एनास्टमोस करती है और लास्ट साइड है लिगामेंटम विनोसम जो होता है वहां पे लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन किसके साथ अनास्टू करती है डायरेक्टली इनफीरियर वेना कहवा तो देखिए मेनली जो इन इस चार्ट में इस आपको समझाने वाला पॉइंट था वो फर्स्ट थ्री साइड्स थी ये तो आपको याद करनी है आप एक दो बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी अगर आपने लिवर अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको और ज्यादा अच्छे से ये याद हो जाएंगी अब एक बार हम फास्ट रिविजन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम तो ओवरऑल थ्री साइड्स थी जिसमें हमें पोर्टो सिस्टमिक कॉम्युनिकेशन देखे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम तो पहली साइड थी हमारी लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस तो लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस पे ईसोफेजियल वेन किसके साथ एनास्टोमोस कर रही थी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन से ईसोफेजियल वेन हैमी एजाइगस वेन से डिराइव हो रही है और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन पोर्टल वेन की ब्रांच है तो पोर्टल वेन सिस्टमिक वेन के साथ एनास्टोमोस कर रही है एट लोअर एंड ऑफ इसोफेगस नेक्स्ट हमने पढ़ा एट लोअर एंड ऑफ रेक्टम पे लोअर एंड ऑफ रेक्टम पे सुपीरियर रेक्टल वेन किसके साथ एनास्टमोस करिए हमारी मिडल रेक्टल वेन एंड इंफीरियर रेक्टल वेन मिडल रेक्टल वेन डायरेक्टली कहाँ ड्रेन कर जाती है इंटरनल इलियक वेन में और इंफीरियर रेक्टल वेन पहले ड्रेन करती है इंटरनल पुडेंडल वेन में और फाइनली ड्रेन कर जाती है हमारी इंटरनल इलियक वेन में और जो सुपीरियर रेक्टल वेन होती है वो पहले ड्रेन करती है इन्फीरियर मिजेंट्रिक वेन में इन्फीरियर मिजेंट्रिक वेन स्प्लेनिक वेन में ड्रेन करती है और स्प्लेनिक वेन हमारी पोर्टल वेन में ड्रेन करती है तो ये हमने पढ़ा सेकेंड साइट ऑफ एनास्टोमोसिस थर्ड हमने पढ़ी एट अम्ब्लाइकस अम्बलाइकस पे जो पैरा अम्ब्लिकल वेन्स हैं पैरा अम्ब्लिकल वेन्स कहाँ से आ रही है हमारी लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन से किसके साथ एनास्टमोस करती है वेन्स ऑफ एंटीरियर एबडोमिनल वॉल तो ये हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है दैट इज पोर्टो सिस्टमिक कम्युनिकेशन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी क्लिनिकल अनाटमी और इसकी क्लिनिकल अनाटमी और पोर्टल वेन की क्लिनिकल अनाटमी आप दोनों कंबाइन करके लिख सकते हो एग्जाम में सो so गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस टॉपिक के नोट्स मैंने अपने फेसबुक पेज पे टेलीग्राम ग्रुप पे और अपनी इंस्टा की आईडी पे अपलोड कर दिए हैं आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय थैंक यू